जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊन मध्ये संपूर्ण जिल्ह्यात जीवनावश्यक वस्तूची सेवा बंद असल्याचे आदेश दिले आहेत। याच पार्श्वभूमीवर बँक सेवा ही बंद करण्यात आली आहेत। मात्र अत्यावश्यक सेवेसाठी व खासगी कामासाठी 10 ते 2 पर्यंत बँक सुरू राहतील। यातच बँक मार्फत नागरिकांना ऑनलाईन सेवा दिल्या जातील व जिल्ह्यातील संपूर्ण एटीएम मध्ये पैसे उपलब्ध करून द्यायची सुविधा बँकेवतीने करण्यात आली आहे, जेणेकरून कुठल्याच महत्वाच्या कामावेळी नागरिकांची गैरसोय होणार नाही। प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशनुसार बँकमध्ये 15 ते 20% कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कामकाज करून गर्दी टाळण्याचे निर्देश दिले असल्याने बँकमध्ये गर्दी कमी झाली असून बँकमार्फत ग्राहकांना ऑनलाईन सुविधेचे वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे। इस लॉकडाऊन के पीरियड में अभी फिलहाल जो एसेंशियल सेवाएं हैं उसको पूरी की जा रही है और ऑनलाइन बैंकिंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कस्टमर को सारे कस्टमर्स को हम लोग बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारे ट्रांजैक्शन करें ताकि ब्रांच लेवल पे भीड़ ना हो और ये जो चेन ब्रेकिंग है कोरोना की चेन ब्रेकिंग हो सके। एजेंशियल सर्विसेज के लिए बैंकिंग सेवाएं अभी उपलब्ध है। बैंक में कितना परसेंट स्टाफ काम कर रहा है और एटीएम सुविधा में क्या मशीनों में? बैंक में अराउंड 15 to 20% ऑफ टोटल स्टाफ अवेलेबल है और हमने ये पूरी कोशिश की है कि जो हमारे एटीएम्स हैं, जो ऑन साइट एटीएम हैं और ऑफ साइट एटीएम्स हैं, उसमें कैश की उपलब्धता रहे और कैश डिपॉजिट के लिए जो सीडीएम मशीन है वो भी पूरी तरह से चालू रहे, इसको हम लोगों ने इंश्योर किया हुआ है। और इससे जो है बेसिकली सारे ग्राहकों को कैश से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं वहाँ पे कोई असुविधा ना हो, इसको हमने इंश्योर रखा है। साथ में क्लियरिंग जो है क्लियरिंग सेवाएं भी चालू हैं। ग्राहकों को क्या निवेदन करेंगे बैंक में आने से अच्छा ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में कैसा उपदेश क्या बताएंगे? ग्राहकों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचें। बैंकिंग सुविधाएं आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और कोशिश करें कि हमारे जो और भी प्लेटफॉर्म हैं जैसे एटीएम है या कैश डिपॉजिट मशीन्स हैं उनका उपयोग करें। और ये भी कोशिश होनी चाहिए कि ब्रांच लेवल पे जो भीड़ भाड़ है वो ना हो, ये उद्देश्य रहेगा जिससे जो हम लोगों के देश में अभी जो परिस्थितियां चल रही है ये कोरोना का जो एक चेन निर्माण हो रहा है भीड़ भाड़ क्षेत्रों में वो ब्रेक हो और हम लोग ये कोरोना को मात दे सकें।